सुशांत सिंह राजपूत केस में लोगों को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। बिहार इलेक्शन में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी से बहुत सारे लोगों ने सुशांत को न्याय मिले इसकी गुहार लगाई, लेकिन उस गुहार का क्या जवाब मिला मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के प्रचार के लिए पटना रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान मैं आपको दिखाती हूँ लड़कियों ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर न्याय मिले इसको लेकर पोस्टर्स जो है निकाले और इस बात की गुहार लगाई कि हमें न्याय दो। लेकिन वहां पर कुछ और नज़ारा देखने को मिला। जी हाँ, रैली चल रही थी, स्टेज से पीएम मोदी जो है संबोधित कर रहे थे वहां पर मौजूद लोगों को, वहीं एक तरफ युवा जो है वो सुशांत को न्याय मिले इस बात की गुहार लगा रहा था, नारे लगा रहा था, वी वेलकम टू पीएम मोदी जी, प्लीज गिव जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत, 120 डेज स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। देखिए इस तरह की जो है युवाओं ने, जाहिर सी बात है यही युवा जो है वोट डालते हैं, और जब खासकर देखिए लड़कियां थी इस तरह से उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत के नारे लगाए, तो वहां कुछ देर में लोगों ने आकर उनके हाथों से जो है ये सारे पोस्टर्स छीन लिए। कल एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जिसे निलोत्पल ने भी शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कुछ ही देर में कुछ लोग आए और उनके हाथ से ये सारे बैनर्स छीन लिए गए। संबोधित करेंगे पीएम मोदी मन की बात में सुशांत फैंस को, एसएसआरियंस को, एसएसआर वॉरियर्स को, लेकिन मन की बात में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जब वो रैली के लिए पहुँचते हैं उसी शहर उसी जगह पर जहाँ से सुशांत थे, तो वहाँ पर लोग ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर तो सुशांत को न्याय मिले इस बात के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर भी आवाज़ उठाने वालों के हाथों से बैनर छीना गया। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या सुशांत के मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है, क्या सुशांत के मुद्दे को पहले जहाँ चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और लोगों से इस बात को कहा जाएगा कि नहीं हम न्याय दिलाएंगे, अब उस बात पर कोई भी कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा है। और कल जब युवा पहुंचे रैली में और इस तरह की आवाज़ उठाई, तो उनके हाथ से बैनर क्यों छीने गए? और ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ युवा पहुंचे उन्हें लगा कि हम सीधे जो है पीएम मोदी से मिलकर गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।